हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है बीएससी में टॉप कैसे करें सेल्फ स्टडी से। मींस बिना कोचिंग के हम बीएससी में किस तरह से फर्स्ट डिवीजन पास हो सकते हैं और किस तरह से इसमें टॉप कर सकते हैं। तो बीएससी में ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग से ही अच्छे नंबर मिल सके, सेल्फ स्टडी की बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट टॉपिक क्या है कि आप किस तरह से सेल्फ स्टडी में अच्छे नंबर पा सकते हैं। सो सबसे पहले नोट्स प्रिपेयर। अगर आप सेल्फ स्टडी से खुद का नोट्स बनाते हैं और उसको प्रिपेयर करके लर्न करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरत है क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर एग्जामिनर अपने आप अपने खुद के वर्ड में लिखते हैं तो एग्जामिनर यहाँ पर आपको फुल में फुल मार्क्स देता है। सेकेंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि कोई रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर वो हमेशा साल दो साल में एक बार रिपीट किया जाता है तो उस क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है और क्वेश्चन किस तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट है, नोट्स प्रिपेयर खुद कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और यहाँ पे तीसरा है रिपीटेड क्वेश्चन। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वहाँ देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। अगर कोई क्वेश्चन हमेशा हर ईयर यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है तो वो क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पे पूछा जाएगा, इसलिए उस क्वेश्चन को आप ज़रूर से सॉल्व कीजिए और यहाँ पे उसको बार बार देखिए। इसके बाद से फोर्थ है, फोर्थ जो आपका है वो है डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब क्या हुआ कि आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि हमें कब कौन सा पढ़ना है और किस तरह से उसको लर्न करना है। जैसे कि अगर आप कोई टाइम टेबल फिक्स करते हैं कि 1 घंटे मुझे जूलॉजी पढ़ना है, 1 घंटे बॉटनी और 1 घंटा मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर आपका केमिस्ट्री नहीं है तो उसको वहाँ छोड़ दीजिए, 2-2 घंटा टाइम दीजिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप 40 मिनट से ज़्यादा कभी भी बैठने मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि 1 आवर जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस वजह से आपको पढ़ने में रुचि नहीं मिलेगा। इस वजह से हमेशा आपको 40 मिनट ही पढ़ना चाहिए। सो डेली रूटीन में आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि कब से कब कितने बजे पढ़ना है, एक सुबह के टाइमिंग पढ़ना है, एक शाम के टाइमिंग में पढ़ना है और एक आपको मिडनाइट के टाइम में पढ़ना है। इस तरह से आप अपना डेली रूटीन बनाइए कि कब आपको पढ़ना है। फिफ्थ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको एक बुक लेना है, यानी कि कोई भी आपके वहाँ जो भी बुक लगता है, या तो टॉपर्स लगता होगा या यूपीएस लगता है या नवीन लगता है या इजी नोट्स लगता है। इस तरह से आप मार्केट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बीएससी का टॉपर्स मिलेगा, बीएससी का यूपीएस मिलेगा और नवीन भी मिलेगा, इजी नोट। इस तरह से आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे इस तरह के बुक मिलते हैं जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व रहते हैं और अनसॉल्व भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अनसॉल्व भी आप देख सकते हैं, अनसॉल्व लेके आप सॉल्व कीजिए और जो आपके सॉल्व पेपर रहेंगे उसको तो आप एक बार देखिए कि क्वेश्चन को किस तरह से लिखा गया है। सो आपको यहाँ पे फिफ्थ जो है टॉपर्स या यूपीएस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके बीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सो ये रहा आज का मेरा टॉपिक, बीएससी में किस तरह से आप टॉप कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से विदाउट कोचिंग के। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हो गया नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, रिपीटेड क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और डेली रूटीन आपका टाइम टेबल फिक्स करना है, और अब जो आपका फिफ्थ है वो टॉपर्स के लिए या यूपीएस या नवीन या इजी नोट्स को यहाँ पे आपको देखना होगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर जरूर खरीद लीजिएगा। सो ये रहा आज का टॉपिक, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।